आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव में वीवीआईपी के आगमन पर सुरक्षा को लेकर पुलिस लाइन में रस्सी पार्टी टीम का मॉक ड्रिल किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आगामी दिनों में वीवीआईपी का जनपद में आगमन होगा, जिसमें स्टार प्रचारक भी आएंगे, जिसको देखते हुए पुलिस के द्वारा एक टीम बनाई गई है तथा उन सभी पुलिस कर्मियों को वीवीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है कि कैसे वीवीआईपी की गाड़ी को कवर कर सुरक्षा देना है और सुरक्षा में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। एसपी सिटी ने बताया कि अगर वीवीआईपी के पास भीड़ ज्यादा आ जाती है तो रस्सी पार्टी की टीम उनको दूर रखेगी और उनसे कैसे निपटना है यह भी बताया गया है। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एएसपी सीओ बासगांव राहुल भाटी, सीओ प्रशिक्षु प्रसाली गंगवार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, कितनी मॉडल का काम बता रहे हैं आपके पूरे में चलो टमाटर का निकल ही मॉडल आ जा मेरा बस कौन सर कोई नंबर की 20 मार्च कितने लोग हैं 20 सर 20 लोग कोई नंबर का ये आप लोग जो है सिक्योरिटी बॉक्स के रूप में कार्य करेंगे कोई भी जो भी वीवीआईपी आएंगे अगले 10 दिन चुनाव तक या उसके बाद भी तो आप लोगों को जो है वीआईपी जो कार होगी वो कारकेड होगी अगर जनरल सिक्योरिटी है तो पूरी कारकेड भी हो सकती है उसके आगे पीछे दाएं और बाएं इस तरह से आप लोगों को रख बनना है तो कोई नंबर वन या रास्ता पार्टी वन हर एक के पास रास्ता जरूर रहेगा जो भी सब इंस्पेक्टर है उनके पास सेट रहेगा ताकि आप से बात कर सके कारकेड के पीछे रहेंगे आप लोग रस्सा पार्टी नंबर तीन आप लोग चार आप लोग बाएं रहेंगे आप लोग को पूरा सिक्योर करना है आप सबने यहाँ वीआईपी ड्यूटी की होगी जो नए रिक्रूट हैं वो भी अभी जान ले कुछ कि कोई डंका वाला अंदर ना आ जाए या कुछ वहां से फेंक ना ले ठीक है ये सारी आपको जानकारी रहनी चाहिए तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपको शेयर कर दिया जाएगा आप लोग पढ़ लीजिएगा अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूँ और सबके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए क्योंकि आप वीआईपी के बिल्कुल पास में आ रहे हैं तो बिना आईडी वहां से आप निकलेंगे आईडी कार्ड सबके पास होना चाहिए सशस्त्र मीडिया रहेगा। दूसरी बात है संवाद कम्युनिकेशन आप अपनी पार्टी से कैसे करेंगे जैसे आप आगे पीछे दाएं और बाएं लगे हैं तो आपके साथ लगे 20 व्यक्तियों के साथ आप संवाद कैसे करेंगे जितने भी सब इंस्पेक्टर्स हैं एक टोली के साथ चार सब इंस्पेक्टर्स लगे हैं तो सबके पास वायरलेस हैंडसेट रहेगा ठीक है और वीआईपी कार्यक्रम के दौरान जो निर्धारित चैनल है उस पर आप रहेंगे और आपको कंटिन्यूसली उसको फॉलो करना है उसको जो दिशा निर्देश मिलते रहेंगे आप उसको फॉलो करेंगे उसके साथ चारों दिशाओं की जो चारों पार्टियां हैं वो उसके साथ धीरे धीरे मूव करेंगी बाहर के दिशा में मुंह रखते हुए धीरे धीरे उसके साथ मूव करेंगी एक व्यक्ति सब इंस्पेक्टर वो किस तरीके से वीआईपी गाड़ी को प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि राइट साइड वाला ओवरटेक ना कर पाए और लेफ्ट से भी कोई ओवरटेक ना कर पाए ऐसी की स्थिति आती है तो बाकी फ्लीट टूट जाती है बिखर जाती है परंतु सिक्योरिटी बॉक्स वीआईपी को कभी नहीं छोड़ता है उसी प्रकार वो गार्ड वीआईपी की सिक्योरिटी बॉक्स के जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जिसको डिफेंसिव ड्राइविंग कहते हैं तो ड्राइवर वो ऑलरेडी सुरक्षा शाखा से स्पेशली ट्रेंड होते हैं ड्राइवर अपना काम कर रहा है परंतु आप उसमें बैठे हुए हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी आँखें आपकी नज़र आपको अपनी चैतन्यता पूरी बरकरार रखनी है आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दसों दिशाओं में आपको देखना है चोरी नंबर दो वीआईपी कार के पीछे रास्ता लेकर के
आप तक पहुंचे। गोली न मस्सा पार्टी बना के इसको वो करें, सामने के लाएं। आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करना, सामने के लाएं, नसे खुलवा दे। ये पीछे जो टोली नंबर दो है, टोली नंबर के पास ना जाए। ये गैप आ रहा है, देखिए उधर टोली नंबर जो उधर बाएं साइड में है, और उसमें गैप नहीं आ रहा है। अगर आप गैप छोड़ देंगे तो सब लोग, हाँ ये देखिए अब संकरा रास्ता मिल रहा है आपको गेट के पास, तो आपको क्या करना है, अगर जरूरत है तो पीछे या आगे हो जाए। माइन जो तीन है थोड़ा पास में आ जाए, इतना एक लाइन में हो जाओ, एक लाइन में और पतला रास्ता होगा, एक लाइन में हो जाएंगे। आगे मत जाओ, उनके आगे नहीं जाना, आपको उनके पीछे जाना। चलिए एडवांस हो गया, चल दीजिए, तेज चलिए, थोड़ा सा तेज चलाते हैं। गाड़ी को देखते हुए भाग रहा है, गाड़ी की स्पीड देख रहा है, स्पीड देख के यही है, क्योंकि आगामी चुनाव के दृष्टिगत यहाँ बहुत सारे वीवीआईपी मूवमेंट्स होंगे, स्टार प्रचारक भी आएंगे, इसलिए एक अलग से एक टीम बनाई गई है, सिक्योरिटी बॉक्स टीम, और इसमें इसकी ट्रेनिंग दी गई है इनको कि किस तरह से इनको सुरक्षा करनी है, और पूरी ट्रेनिंग को दी गई है इनको, इनको रस्सा पार्टी की तरह भी बिहेव करना है, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उनको कैसे रोकना है, इस सब की ट्रेनिंग आज हमने पुलिस लाइन में दी है। इसमें एसपी ट्रैफिक, एसपी क्राइम, एएसपी और सीओ ऑफिस जो है प्रशाली, ये सब यहाँ उपस्थित रहे और सबने इन सबको ट्रेनिंग दी है। इसके टीम के नोडल संबंधित जो भी जहाँ भी कार्यक्रम होगा वहाँ के एडिशनल एसपी रहेंगे, तो यहाँ हमने जनरल ट्रेन दे दिया है, ट्रेनिंग दे दी है इन लोगों को, और भविष्य में जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे इनको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। सर अधिकतर लोग घुसने का प्रयास करते हैं, उन सबके लिए देखिए यही कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल ये वीआईपी की तरफ ना देखें, वीआईपी की दूसरी तरफ देखें, जनता पर नज़र रखें, क्योंकि जनता के बीच में कई बार कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं जो कि कुछ गड़बड़ करने का प्रयत्न करते हैं, तो ये उन पर नज़र रखेंगे और ऐसे लोगों को अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे। क्लोज प्रोटेक्शन टीम जो है ये सिक्योरिटी बॉक्स, ये हर वीआईपी जो भी यहाँ पे आएंगे और जो भी स्टार प्रचारक आएंगे उनके लिए यही टीम कार्य करेगी,